नमस्कार, आप सभी लोगों का आप लोगों का स्वागत है प्रिसा आईएएस के यूट्यूब चैनल पे एंड ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप लोग मुझे सुन पा रहे होंगे और यहाँ पे आपने अगर पोस्टर देखा होगा तो इसमें लिखा हुआ है एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी। तो काफ़ी समय से जो है डिमांड एस्पिरेंट्स की थी, सर एनसीईआरटी बैच एनसीईआरटी बैच। तो फाइनली मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट एनसीईआरटी बैच। और एनसीईआरटी को किस अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा उस वो आप महसूस करेंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए हम साइंस बैकग्राउंड से स्टूडेंट थे और ह्यूमैनिटीज को जो है किस तरह से जो है मैंने मोल्ड किया अपने हिसाब से, अपने इंटरेस्ट के लिए कि मैंने कैसे इसको चेंज किया, वो मैं मेरे पढ़ाने के स्टाइल से आपको समझ आ जाएगा। टेंथ के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज पढ़ना शुरू किया जब मैंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की या जब सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की, और एक अलग ही तरीका मैंने डेवलप किया अपने लिए ताकि एक इंटरेस्ट डेवलप हो पाए और एक साइंटिफिक वे कहना चाहूँगा मैं इसको, या फ्लो चार्ट मैकेनिज्म, किस तरह से फ्लो चार्ट से इसको पढ़ना, मेमोराइज करना, नोट्स बनाना और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से कितना इसका महत्व है, मेंस के लिए कितना महत्व है उसको डेवलप करना, वो सब कुछ आपको मेरे इस लेक्चर के दौरान जो है आपको सीखने को मिलेगा। एनसीईआरटी पढ़ने का पूरा नजरिया ही चेंज हो जाएगा जब आप इस मेरे बैच को आप सुनेंगे और पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का पूरा ही एक अपना एक अलग सेगमेंट है और आप सुनेंगे जब आप टॉपर्स के इंटरव्यू सुनते हैं और किसी बड़े जो आपको मेंटर करते हैं तो आपको बार बार ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़िए एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी का बहुत रोल है आपकी तैयारी में, आपकी नींव या फाउंडेशन जो है एनसीईआरटी बनाती। तो आम जो है बच्चों के अंदर धारणा ये रहती है या कंफ्यूजन ये भी रहती है कि सर एनसीईआरटी पढ़े कैसे, रीड कर लें क्या, केवल रीड कर लेते हैं लाइन बाय लाइन, लेके उसको पेज बाय पेज अंडरलाइन कर लेते हैं, लाल पीला काला नीला है ना, डिफरेंट मार्कर लेते आते हैं बच्चे, बट ऐसा है नहीं। ठीक है, आप इसको हाईलाइट नहीं करिए, आप मतलब इसको लाल रंगिए मत, रंगने का कोई काम नहीं है इसमें, रंगने वाला काम खत्म। अब इसको यूपीएससी की तरह से पढ़ना पड़ेगा, यानी यूपीएससी पॉइंट व्यू से पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि बहुत गहराई छुपी है एनसीईआरटी में और आपकी रुचि डेवलप कर देगी, इंटरेस्ट डेवलप कर देगी ह्यूमैनिटीज में और आपके यूपीएससी की जर्नी की तैयारी में। तो प्रिसा आईएएस में हम लोगों ने कोशिश की और इस तरह से हमने कैलकुलम डिजाइन किया है कि आपका पूरा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेके क्लास 12 की जो एनसीईआरटीज हैं वो आपको साइंटिफिक वे में, जब मैं वर्ड यूज करता हूं साइंटिफिक वे तो समझिएगा मैं बात कर रहा हूं एनालिटिकल माइंडसेट की। एनालिटिकल माइंडसेट का मतलब यह है कि मैं इस तरह से नहीं कहूंगा कि आप केवल उसको रीड कर लिए, अखबार जैसे पढ़ लिए, उसको कहानी तरह पढ़ लिए पहले पढ़े थे, नहीं, उसके इंफॉर्मेशन को किस तरह से फिल्टर करके निकालना है और अपने नोट्स में लिखना है या अपने नोट्स को बनाना है, वो टेक्निक डेवलप करनी है। और जैसे जैसे लेक्चर प्रोसीड होगा मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन आए हुए। दूसरा जो एक अहम सवाल बच्चों में आता है कि एस्पिरेंट जो तैयारी शुरू करते हैं वो ये पूछते हैं सर एनसीईआरटी कौन सी पढ़े, ओल्ड न्यू। मैं कहता हूं यार एक बार पढ़ना सब पढ़ लो, ये तैयारी ही इतनी बड़ी जर्नी है कि इसमें ओल्ड न्यू क्या है, आपको तो बस टॉपिक मैप करने, आप सिलेबस ले लो, माइक्रो सिलेबस आपको दिया जाएगा हर टॉपिक का, आप माइक्रो सिलेबस के हिसाब से पढ़ लो। जैसे आज के लेक्चर में स्टार्ट करूंगा उसकी मैं आपको भूमिका बता दूं, जैसे मान लीजिए अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है, हिस्ट्री, और हिस्ट्री को आप डिवाइड कर लीजिए तीन हिस्से में, मॉडर्न, क्यों मॉडर्न ऊपर रखा, क्योंकि प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मॉडर्न, एंशियंट, मिडिवल, जैसा कि सर ने बोला कि मिडिवल तो सर ने कभी पढ़ा ही नहीं, आप भी ना पढ़े कोई ऐसा कोई जरूरी नहीं, थोड़ी ना
अब जितनी मेहनत मिडवल पे करते हैं ना आर्ट एंड कल्चर पे, उसका आधा मेहनत कर लीजिए साइंस एंड टेक के 10 सवाल हो जाएंगे, ये मैं आपको कह रहा हूँ। बी स्मार्ट, प्रीलिम्स आपको क्वालिफाई करना है, स्मार्ट की स्टडी अपनाइएगा आप, स्मार्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए आप, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री इसमें भी दो एरा है, गांधी जी के आने के पहले, गांधी जी के आने के बाद। मॉडर्न इंडिया को पढ़ने के लिए आप स्टार्ट करिए क्लास 10th एनसीईआरटी, टॉपिक है नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया। जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना नेशनलिज्म इन इंडिया, तो इस चैप्टर में आपको गांधी जी के आने के बाद 1900 लगभग 16 से स्टार्ट किया गया है, 1916 से लेके 1947 तक कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा की गई है। गांधी जी जब भारत में आए तो उन्होंने जो पहला आंदोलन किया, मैं उसको मिमोनिक बनाता हूं, गांधी जी जैसे भारत में आए उन्होंने खाया केक, मिमोनिक भी सिखाया जाएगा आपको, चंपारण अहमदाबाद खेड़ा। तो जो पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा जो सफल किया गया भारत में साउथ अफ्रीका से आने के बाद, जो उनका सफल सत्याग्रह आंदोलन हुआ, वो ये तीन आंदोलन थे। ये छोटे छोटे इवेंट्स आपको गुजबम यानी कि आपको ना इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, अच्छा ऐसे हुआ, ऐसा पहली बार एक कुछ किया गया। फिर आप देखेंगे कांग्रेस के सेशंस कैसे कैसे बढ़े, खिलाफत इशू क्या था, फिर रॉवल एक्ट आया, रॉवल एक्ट से आपका जलियांवाला मैसेकर हुआ, फिर रॉवल एक्ट के बाद किस तरह से जो है सॉल्ट मार्च हुआ, इरविन पैक्ट हुआ, दांडी मार्च। तो जब आप ये चैप्टर पढ़ोगे तो कुछ नेशनल मूवमेंट छोटे छोटे आपके दिमाग में जो पहली बार पढ़ रहा होगा, मैं ये उम्मीद करके जो आज का लेक्चर दे रहा हूं कि बच्चे ने पहली बार यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की गई होगी, उस लिहाज से मैं बता रहा हूं। उसके बाद जब आपने ये एनसीईआरटी पढ़ ली, 9th की एनसीईआरटी का ये चैप्टर पढ़ लिया, अब आप एनसीईआरटी खोलिए बाकी क्लासेस के, और बाकी क्लासेस के एनसीईआरटी खोलिए, उसमें देखिए नेशनलिज्म कहां कहां दिया, मैप करिए, उस चैप्टर को एक साथ पढ़ लीजिए। मैं तो कई बार बोला हूं कि आप ऐसे मत पढ़िए कि पहले 6th से आपने पढ़ लिया, फिर 7th का पढ़ लिया, फिर 8th का पढ़ लिया, थोड़ा मेहनत कर लीजिए आप। क्लास वाइज एनसीईआरटी मत पढ़िए, चैप्टर वाइज एनसीईआरटी पढ़िए। तो रीड एनसीईआरटी, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, और इतना तो आपको फिल्ट्रेशन टेक्निक डेवलप हो जाएगा समय के साथ कि 6th में कोई चैप्टर दिया है तो उसका रिलेशन किस चैप्टर से होगा, 7th वाले में है या 8th क्लास में है। तो आप ऐसा ना करिए कि आप 6th का पहले पूरा पढ़ लीजिए फिर 7th का पूरा पढ़ लीजिए, तो आप जब तक 8th पे आओगे आप 6th की भूल जाओगे। आप समझिए जो सबसे बड़ी गलती यही होती है। हम क्या गलती करते, देखिए मिस्टेक्स बताता हूं, ये मिस्टेक्स 99% एस्पिरेंट द्वारा किया जाता है। वो क्या करते हैं कि क्लास 6th की एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, फिर 7th की पढ़ेंगे, फिर 8th की, तो 6th का जो है वो 8th में आते आते भूल जाएगा। भाई आप ऐसे ना करो, आप ये देखो कि अगर आप 6th में अगर मिडवाइल पढ़ रहे हैं या एंशियंट पढ़ रहे हैं तो उसी का फर्दर देखिए किस क्लास में दिया हुआ है, 7th में दिया है या 8th में दिया है या 9th में दिया है, तब उसको रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपका एक पूरा तैयार होगा। देखिए हिस्ट्री क्या है, टाइम पीरियड है, उसको उसकी उस टाइम पीरियड में जो घटना घटी उसकी सिस्टमेटिक स्टडी को हम कहते हैं इतिहास। इतिहास को पढ़ने के लिए आप ऐसा समझिए ना, कोई घटना कैसे कैसे घटी, उसका क्या क्या इंप्लीकेशन हुए, उसको रिलेट करना सीख लीजिए आप। वो मेरा प्रयास रहेगा आपको रिलेट कराने का। तो आने वाले क्लासेस में आई विल कवर क्लास 6th टू 12th एनसीईआरटी,
अब आपको यह भी होगा कि सर कौन सी एनसीईआरटी कवर करेंगे आप। देखिए मैं ज्योग्राफी का भी पूरा एनसीईआरटी कवर करूंगा, हिस्ट्री की पूरी एनसीईआरटी कवर की जाएगी, पॉलिटी की पूरी एनसीईआरटी कवर की जाएगी और कुछ इको के भी किए जाएंगे। ये एनसीईआरटी तो पूरी कवर की जाएगी और साथ ही साथ आपकी बायो की भी एनसीईआरटी कवर, बायो कह रहा हूं मैं, जनरल साइंस की एनसीईआरटी भी कवर की जाएगी। तो एनसीईआरटी बैच में कुछ भी आपको छूटेगा नहीं, इसका हमने इसकी प्रतिज्ञा ली है और ये हमारा प्रयास भी है कि कुछ भी आपका लेफ्ट आउट नहीं होगा। आपके पेपर के लिए जो भी इंपॉर्टेंट होगा, जो हम ऑलरेडी इतने अनुभव जो पढ़ाते हुए हो गया और रिसर्च हमारे पास है, रिसर्च हमारे पास पूरी एक खाका तैयार है कि हमें क्या क्या कंटेंट डिलीवर करना है, आपका कुछ नहीं छूटेगा, इसकी तो हम आपसे प्रॉमिस कर सकते हैं। ये काम तो हम कर देंगे, आपको एनसीईआरटी तैयार करा देंगे। आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ेंगे हमारे साथ और नोट्स बनाएंगे क्लास के साथ। नोट्स आप क्लास के साथ हमारे साथ बनाएंगे और दूसरा काम जो आप ये करेंगे वो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे साथ जोड़िएगा। ये आपका जोड़ना जो है हमारे लिए एक मोटिवेशन का कारण बनेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे उससे हम लोगों को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका भी आप कंट्रीब्यूशन के रूप में आप ये कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बात को, इस इनिशिएटिव को पहुंचाइए कि अभी तक तो आपने पढ़ा एनसीईआरटी दुनिया भर के वेबसाइट और यूट्यूब से, अब एक नया तरीका है एनसीईआरटी का, इसको पढ़िए। ये जो तरीका है ये समझिए कि ये जो तरीका मैं एनसीईआरटी का पढ़ा, छोटे क्लास का बच्चा भी अगर सुन रहा होगा तो उसको भी समझ आ जाएगा। वो तरीका मैं डेवलप करने जा रहा हूं, उस तरीके डेवलप में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्लास टेंथ एनसीईआरटी सीरीज शुरू हो चुकी है। आप सभी को यह बात पहुंचा दीजिए कि एनसीईआरटी शुरू हो चुका है, एनसीईआरटी की शुरुआत हो चुकी है, आप सभी को बता दीजिए यह बात। तो क्लास टेंथ आप लोग मार्केट से जाके एनसीईआरटी खरीद लीजिए, बहुत सस्ती होती है। अगर डिजिटल डिवाइस है तो सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिएगा, ये पतली पतली एनसीईआरटी आपको जो है प्रीलिम्स पार करा देगी। क्लास टेंथ की एनसीईआरटी हिस्ट्री इतिहास ये हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी के साथ। तो कुछ ऐसी दिखती है किताब, रेड कलर की बुक्स है, सोशल साइंस की है, टॉपिक का नाम है इंडियन कंटेम्परेरी वर्ल्ड। तो मैं यहीं पे डिकोड कर देता हूं, इंडियन कंटेम्परेरी वर्ल्ड इसलिए लिखा हुआ है कि इसमें हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन क्रांति पढ़ेंगे हम लोग और इंडियन रेवोल्यूशन भी, मतलब इंडियन नेशनलिज्म मूवमेंट भी पढ़ेंगे। इसमें एक टॉपिक है प्रिंट कल्चर, वो भी हम पढ़ेंगे कि प्रिंटिंग प्रेस का मतलब विस्तार कैसे हुआ, उसका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखा जाए तो इस किताब को तीन सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला इवेंट एंड प्रोसेस, जिसमें घटनाएं दी गई हैं, फिर इकोनॉमिक एंड सोसाइटी में क्या चेंजेस हुए, उसके लिए आपको मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, एज ऑफ इंडस्ट्रिएशन, आधुनिक, फिर वर्क लाइफ एंड लेजर, उसके बाद प्रिंट कल्चर, ये आपको बताया गया। तो ये जो आप देखेंगे कि ये जो चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया और नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडो चाइना, ये दोनों जो है इंडिया कंटेक्स्ट के, यानी कि भारतीय इतिहास के रिलेटेड हम पढ़ेंगे।
इसके हैंड रिटन नोट्स आपको ऐप पे और आपके टेलीग्राम ग्रुप पे हमें इसका जो फिल्टर हैंड रिटन नोट जो मैंने खुद लिखे हैं वो आपको मिल जाएंगे, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जो है उसके लिए आप सर्कुलेट करें कि वो भी ज्वाइन करें, इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। ये कुछ चैप्टर्स हैं, हम इस चैप्टर को अभी हम नहीं पढ़ा रहे हैं, इस वजह से हम चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये पूरी बुक है, दैट्स टेक लिटिल बिट टाइम, बट वी हैव अ लिटिल बिट पेशेंस, जस्ट गिव मी 1 मिनट मोर, आई विल फिगर आउट चैप्टर। फाइनली वी आर हियर, नेशनलिज्म इन इंडिया, द ब्यूटिफुल चैप्टर इज हियर, नेशनलिज्म इन इंडिया। पहले तो वर्ड को डिकोड करते हैं, इसमें एक शब्द है नेशनलिज्म। अगर मैं थोड़ा सा आपको ऐसे कहानी के फॉर्म में आपको बताएं तो कभी ये जो वर्ड है नेशनलिज्म, इसकी उत्पत्ति या कह सकते हैं ऐसा कॉन्सेप्ट पहली बार हुआ कहां पे? वन वर्ड में कहा जाए कि नेशनलिज्म का मतलब होता है वननेस, यानी कि एकता की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम। तो नेशनलिज्म ये जो वर्ड है ये पहली बार आया कहां से? ये एक सोच, एक थिंग, ये आया कहां से? तो जब आप इतिहास पढ़ेंगे, विश्व इतिहास अगर आप पढ़ेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री, तो आप वहां पे जब आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे अगेन क्लास 9th में है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आप वहां पे ये देखेंगे कि वहां समाज वहां का कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड था। वहां के समाज को पिरामिड स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया था। पहले था आपका फर्स्ट स्टेट, फिर आपका था सेकंड स्टेट, और फिर था आपका थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में आपके प्रिस्ट लोग थे, क्लर्जी लोग, सेकंड स्टेट में आपके नोबल्स लोग थे, किंग एंड नोबल्स थे, और ये फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट मिलके जो है ये थर्ड स्टेट पे जो कि आम जनता थी, मैंगो पीपल, आम जनता, किसान, मजदूर, लेबर, इन पे रूल करती थी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम ये पढ़ेंगे, तो ये जो थर्ड स्टेट के लोग थे इन्होंने इस नोबल्स के खिलाफ जो है क्रांति कर दी थी, रेवोल्यूशन किया था, क्रांति कर दी। ये गुलाम नहीं थे किसी के, मतलब ये कॉलोनीज नहीं थे, बट किंगशिप के खिलाफ जो है इन्होंने क्रांति कर दी थी। ये पूरा एक टॉपिक ही है, कैसे आंदोलन हुआ, बर्बन डायनेस्टी रूल करती थी वहां पे, और किस तरह से जो बर्बन लुईस 16 जो है गद्दी से कैसे हटाया गया, संविधान कैसे लिखा गया फ्रांस का, वो तो पूरा एक अपना एक टॉपिक है। लेकिन फ्रांस की क्रांति से जो सीखने को मिला पूरे विश्व को, यूरोप और भारत के, भारत देश को ये सीखने को मिला, क्योंकि तो भारत में नेशनलिज्म तो कभी था ही नहीं। मैं आपको ये सब पता नहीं है वाक्य मेरा सही है कि गलत, कि अगर अंग्रेज आते नहीं भारत में तो हमें लगता है कि लोगों के अंदर नेशनलिज्म आता ही नहीं कभी। हम तो जातियों में बटे हुए थे, नौकरशाही, किंगशिप थी हमारे यहां, मोनार्की रूल करती थी, राजा आपस में लड़ते थे, डायनेस्टी आपस में सक्सेशन होता था। ये तो अंग्रेज आए, हम गुलाम हुए और भारत में बड़े बड़े जो थिंकर फिलोसोफर हुए, राजा राम मोहन राय जैसे और भी आदरणीय लोग जो थे, उन्होंने
यूरोप के देशों की, बाकी बाहर के देशों की नेसिज्म को भारत में समझाया कि भाई वो तो भी गुलाम भी नहीं है, फिर भी वो अपने राजा के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तुम तो गुलाम हो, तुम तो कम से कम तुम तो जाग जाओ, तुम्हारी आत्मा कब जगेगी? क्योंकि भारत इतना विभिन्न धर्म जाति कल्चर में बटा हुआ है, तो बहुत बटे हुए थे हम, गुलाम इसीलिए बन गए क्योंकि हम बटे हुए थे, हम बहुत विभिन्न मतलब अलग अलग कल्चर में थे, डाइवर्सिटी बहुत थी हमारे अंदर, पिछड़ापन, एजुकेशन जो भी है आप कह सकते हो, तो पूरा एक मुद्दा बन सकता है इस पर हम चर्चा करें। तो वहां से नेशनलिज्म आया कि अपने देश के लिए प्रेम, फ्रांस में या यूरोप के देशों में हम देखेंगे जर्मनी इटली, नेशनलिज्म को सिंबलाइज किया गया, सिंबल दिया गया, मूर्ति बनाई गई, झंडे बनाए गए। आप खुद सोचो ना, किसी देश को आप एक मूर्ति से कैसे कल्पना कर सकते हो, वो क्यों क्यों किया गया कल्पना, हम क्यों भारत माता की फोटो बनाते हैं, ऐसे पिक्चराइजेशन क्यों करते हैं? ये सेंस था आपके दिमाग में डालने के लिए कि भारत हमारी माँ है, हमें अपनी माँ की रक्षा करनी चाहिए। और ये कहां से आपको लगता है एक दिन के अंदर आ गया ये भारत हमारी माँ है और ऐसी जो है हमने कल्पना की, एक दिन में नहीं आया ये। ये 200 साल की क्रांति, 100 साल की क्रांति जो थी हो रही थी यूरोप के देशों में, फ्रांस में, रशिया में, इटली में, जर्मनी में, वहां पे हो रही थी, वहां से लाया गया कॉन्सेप्ट नेशनलिज्म, द यूनिकनेस, द सेम कल्चर वी फॉलो लैंग्वेज। तो नेशनलिज्म एक डेवलप कराया गया समय के साथ, और जब हम गुलाम हुए तो हमें महसूस हुआ कि भाई हम लोग जब तक एक नहीं होंगे अंग्रेज हुकूमत यहां से जाने वाली नहीं है, और यहां से जो है इंडियन जो है क्रांति डेवलप हुई, फ्रीडम फ्रीडम के लिए, इंडिपेंडेंस के लिए जो है डेवलप हुई। ये बहुत बड़ी जर्नी है, आप इस पे बहुत किताब पढ़ सकते हो, कहानी पढ़ सकते हो। मकसद मेरा यहां पे था बस कि इस टॉपिक को चालू करने से पहले आपके अंदर थोड़ा सा एक इंटरेस्ट डेवलप कराना। तो इस चैप्टर की बात करें, अगर हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो हमें क्या सीखने को मिलेगा, मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि इस चैप्टर को जब हम पढ़ेंगे तो हम क्या सीखेंगे, आउटपुट क्या है इस चैप्टर का, आउटपुट पहला तो हम लोग पढ़ेंगे गांधी राज के बारे में, यानी गांधी जी का भारत में आना और गांधी जी के द्वारा किए गए क्रांतियों के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। यह चैप्टर आपको एक ब्रीफ डेवलप कराएगी आजाद हमारे इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए। मेजर मूवमेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे, रॉवेल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जनरल डायर रॉवेल एक्ट के बारे में, रॉवेल एक्ट आने की वजह से एक मार्शल लॉ लगा दिया गया था जिसमें कि हम गैदर नहीं हो सकते हैं, तो जनरल डायर ने उसी लॉ का हवाला देते हुए फायरिंग की थी जलियांवाला मैसेकर में जनरल डायर ने। अभी मैं एक मूवी देख रहा था सरदार उधम सिंह, आप भी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है, आपको थोड़ा सा रिलेट होगा, कुछ अच्छी मूवीज बनी हुई हैं, आप समय निकाल के उन मूवीज को देखिए जिससे आपको लाभ मिले आपकी तैयारी में, इससे आप सब्जेक्ट में डेवलप हो पाए। तो आप देखिएगा सरदार उधम सिंह, आई एम नॉट प्रमोटिंग सरदार उधम सिंह बट इट इज अ नाइस मूवी, आपको समझने को मिलेगा चीजें। रॉवेल एक्ट के बाद आप देखेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, एनसीएम, गांधी जी ने किस तरह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया, क्यों बंद कर दिया, कैसे स्प्रेड रहे, कौन लोग पार्टिसिपेट किए, चौरी चौरा इंसिडेंट पढ़ेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करेंगे, सिविल मूवमेंट के पहले बीच में हुआ था सॉल्ट मार्च, इरविन पैक पढ़ेंगे हम लोग, इरविन पैक, सॉल्ट मार्च। इस चैप्टर में हम ये भी समझने को सकते गांधी जी ने नमक को ही क्यों हथियार बनाया, कुछ और भी बना सकते थे, बहुत आप सोचिए गांधी विचारधारा को आप समझने की कोशिश करिएगा। अंग्रेजों ने बहुत इसको हल्के में लिया था जिसके वजह से जो है उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। गांधी जी ने नमक इसलिए लिया, बोले कि देखो भारत जातियों में तो बटा हुआ है, धर्मों में बटा हुआ है, नमक सब खाते हैं, हम नमक से जोड़ सकते हैं सबको। जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तो यहीं पे आप लोग इंटरनेशनल मूवमेंट जब स्टार्ट होगा तो यहां पे बीच में हम यहां पे लिखना चाहते हैं मुझे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और खिलाफत इशू के बारे में पढ़ेंगे हम लोग,
और हम इसी एज में पढ़ेंगे कि अली ब्रदर्स, दो अली ब्रदर्स थे, शौकत अली मोहम्मद अली, इनकी मदद से गांधी जी ने, या गांधी जी ने उनकी मदद की थी खिलाफत इशू के लिए, और किस तरह से जो है मास मूवमेंट लॉन्च किया था, वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में ये चैप्टर आपको कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएगा। अगेन लास्ट चैप्टर जब खत्म होगा तो नेशनलिज्म कैसे लाया गया, आम जनता के अंदर नेशनलिज्म कैसे आएगा, तो आम जनता के अंदर नेशनलिज्म तभी आएगा ऐसी कुछ हम उनकी आत्मा को झकझोरे कि हमारा इतिहास बहुत महान था, उनको समझाएं ये बात। कैसे समझाएंगे कि हमारा इतिहास बहुत महान था? तो हम कुछ पेंटिंग बनाएंगे, प्रिंट कल्चर, हम पोएम्स लिखेंगे, सॉन्ग्स लिखेंगे, तिरंगा झंडा बनाएंगे। तो वो लास्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे कि क्या क्या जो है पोएम्स सॉन्ग्स लिखे गए। ये मेरा ब्लूप्रिंट है इस चैप्टर के लिए। ये चैप्टर में लगभग लगभग रफली लगभग 27 पेज का चैप्टर है, 27 पेज का चैप्टर है, और मैं ये वादा के साथ कह सकता हूं कि मैं इतने डिटेल से आपको कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे आप देख लीजिएगा, पीपीटी बनाकर तो मैं भी पढ़ा दूंगा, कंटेंट कम हो जाएगा, तो बहुत इजी बात है। बट चैप्टर को अगर आप सुन भी लोगे हेडफोन लगा के, तो आपको लगेगा आप किताब पढ़ रहे हो। ये मैं डेवलप कर दूंगा इस चैप्टर को, ये तो मेरा आपसे वादा है कि केवल आप मेरा लेक्चर सुन लोगे हेडफोन लगा के, तो आपको लगेगा आपने बुक पढ़ ली। इसलिए मैंने इसका पीपीटी नहीं बनाया कि मैं यहां से कट करूं, कुछ वर्ड्स गायब करके पीपीटी बना दूं फिर समझाऊं, उससे इंफॉर्मेशन भी गायब हो जाएगा और वो आपको फील नहीं आएगी। आप लेक्चर देख लोगे, आपके 10 घंटे वेस्ट भी हो जाएंगे, उसके बाद आप किताब भी पढ़ रहे होंगे। वो समय बचाने के लिए मैंने यही प्रयास किया कि मैं क्यों ना बच्चों को बुक से ही पढ़ाऊं, क्योंकि हमें समय बचाना है, स्मार्ट स्टडी करना है। फर्स्ट टॉपिक है हेडिंग, आप लोग डाल लीजिएगा अपने नोटबुक में, जो भी लाइव बच्चे पढ़ रहे हैं ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों के लिए कह रहे हैं, आप प्लीज हेडिंग जरूर डालिएगा, क्योंकि तभी आपका एक सिंक बनेगा कि आप पढ़ के आ रहे हैं। अगर ये फॉन्ट नहीं दिख रहा है तो घबराइएगा नहीं, आप बुक लेके साथ में बैठ सकते हैं। अगर आप ये फॉन्ट नहीं दिख रहा है कि क्या लिखा हुआ, तो कोई समस्या नहीं है। लिखा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन, तीन टॉपिक दिया है। मैं आपको बताता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ। वर्ल्ड वॉर का एक पूरा टॉपिक है, मैं आपको समय के साथ वो भी बता दूंगा। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुआ और 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने की वजह से, क्योंकि भारत ने जो है पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश इंडिया के थ्रू, क्योंकि भारत उस समय ब्रिटिश इंडिया था, इंडिया था नहीं, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश इंडिया, तो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ब्रिटिश इंडिया की तरफ से, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंप्लीकेशन या इंपैक्ट भारत पे बहुत पड़ा, सोशली एंड इकोनॉमिकली दोनों, और पॉलिटिकली भी। सोशली क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हर क्रांति होने के तीन पैरामीटर होते हैं, रेवोल्यूशन होने के तीन कारण होते हैं, सोशल कारण, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कॉज। इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, पॉलिटिकल कॉज की बात करें तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने जन्म दिया गांधी जी, गांधी राज को, और गांधी जी का जो है एक कह सकते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस में या भारत के आजादी की में एंट्री होती है। द फर्स्ट टॉपिक इज आइडिया ऑफ सत्याग्रह, गांधी जी भारत में, ये भी आप याद रखिएगा, ये बहुत छोटी, देखिए कितनी छोटी सी चीज है, गांधी जी अफ्रीका से भारत में कब लौटे, जनवरी 1915 में भारत में आते हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से लौट के। साउथ अफ्रीका में मेजर मूवमेंट जो उन्होंने किया था रेस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, वहां से भारत में गांधी जी आते हैं 1915 में। सत्याग्रह का पहली बार गांधी जी ने कहां पे परीक्षण किया, ये अगर आपको पता है, पहली बार सक्सेसफुली साउथ अफ्रीका में वो इंप्लीमेंट कर चुके थे। अब यहीं से आपको एक छोटा सा नोट अगर बोल दूं कि राइट अ नोट ऑन सत्याग्रह, सत्याग्रह
देखिए छोटे छोटे चीजें मैं लिखने की आपको सिखा रहा हूं, मैं दो दो तीन तीन लाइन का। सत्य प्लस आग्रह, गांधी जी का मानना था कि जो ऑपरेसर है यानी कि जो ब्रिटिश इंडिया है, अगर हम उनके आला कमान को यह बात बताने की कोशिश करें कि किस तरह से अन्य डिस्क्रिमिनेशन या जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है आम जनता को, या कहते उनके कंसाइजेस को हम जगाने की कोशिश करें, तो वो प्रॉब्लम को कम करने के लिए कुछ डिसीजन, पॉजिटिव डिसीजन ले सकते हैं, और अहिंसा से ये चीजों को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हिंसा करेंगे तो वो सप्रेस कर देंगे, बात खत्म हो गई, आपका आंदोलन फेल हो जाएगा। अगर आप देखें यहां पे लिखा हुआ है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड फॉर सर्च ऑफ ट्रूथ। इस वर्ड को देखिए, सत्याग्रह का जो आइडिया है वो ये है कि ट्रूथ को जानना, सर्च करना, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू द सर्च ऑफ ट्रूथ। और इस अपने फ्रीडम या स्ट्रगल को करने के लिए हमें किसी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, बस हमें जो ऑपरेसिव है यानी जो हमें ऑपरेसर जो है, मतलब जो परेशान करके ब्रिटिश इंडिया की बात करें, उनके बस कंसाइजनेस को अगर हम जगा दें, कंसाइजनेस मतलब होता है उनके अंदर, उनको समझा दे कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ये करना आपके लिए सही नहीं है, ये आम मानवता के लिए जो ये आप कदम उठा रहे हैं ठीक नहीं है, अगर आप ऐसा समझा पाते हैं, उनको सच्चाई बता पाते, तो आपको वायलेंस करने की जरूरत नहीं है, आपकी जीत हो सकती है। अल्टीमेटली ट्रम्प आपकी जीत हो सकती है बिना किसी वायलेंस के, केवल आप अंग्रेजों को या जो भी आपके साथ जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, जो आपकी ऑपरेशन का मतलब होता है जो आपको परेशान कर रहा है, उसको ये समझा दो कि जो कर रहे हैं आपका जो इंसिडेंट है आपको जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो वो हो सकता है उनका कह सकते दिमाग खुल जाए, मैं वर्ड यूज नहीं, दिमाग खुल जाए तो वो काम करना बंद कर देंगे, गलती एहसास करा दो, मतलब ऐसा सत्याग्रह का मोटो था, बिना अहिंसा, बिना किसी वायलेंस के। गांधी जी जब भारत आते हैं तो उनको तीन जगह का सक्सेसफुल, इसका मैं मिमोनिक आप याद रखिएगा, केक, मिमोनिक इज केक, टी ए के, भारत जी आए और आप गांधी जी भारत में और उन्होंने केक खाया, भूख लगी थी केक खा लिया उन्होंने, यानी कि पहले तीन जगह पे उन्होंने सत्याग्रह सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया, चंपारण बिहार में इंडिगो खेती के लिए 1916 में बिहार, ये दोनों गुजरात में है, अहमदाबाद और खेड़ा। 1917 में इन्होंने खेड़ा में सत्याग्रह किया, रेवेन्यू हाई रेंट रेवेन्यू के लिए, और अहमदाबाद में इन्होंने मिल वर्कर के लिए किया 1918 में, 16 में चंपारण, 17 में खेड़ा, 18 में अहमदाबाद। चंपारण में किया इंडिगो की खेती के लिए, अहमदाबाद में मिल वर्कर, और खेड़ा में रेंट, किसानों की जो लैंडलॉर्ड रेंट कर वसूलते थे फसल बर्बाद होने के कारण, वो उसको पे करने में सक्षम नहीं थे, उसके लिए, और तीनों सक्सेसफुल रहा, मतलब तीनों जो है, तीनों बातें जो है गांधी जी ने मनवा ली ऑपरेसर से। ऑपरेसर मतलब भाई जो आपके ऊपर अनैतिक कार्य कर रहे हैं, तो आपको परेशान कर रहा है। अगला सत्याग्रह था गांधी जी का रॉवल एक्ट के लिए। अब ये कानून अंग्रेजों ने जो है बहुत जल्दी पास कर लिया था, बिना भारतीय कंसर्न लिए हुए, भारत में नेशनल मूवमेंट को बढ़ता देखते हुए अंग्रेजों को यह डर था कि जिस तरह से मूवमेंट बढ़ रहा है, लोग क्रांति के लिए उतर रहे हैं, आने वाला समय इनके लिए ठीक नहीं है,
तो क्रांतिकारियों को दबाने के लिए रावल एक्ट पास कर दिया गया। रावल एक्ट के अनुसार कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी किसी गतिविधि में पाया जाता है जो कि ब्रिटिश इंडिया के खिलाफ है, चाहे वो कोई मीटिंग कर रहा है, पार्टी बना रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बना रहा है, तो ऐसे में उन ऑर्गेनाइजेशन को, उन नेताओं को जेल में डाल दिया जाएगा बिना किसी एफआईआर के। दो साल के लिए विदाउट ट्रायल, कोई सुनवाई नहीं होगी, आपको दो साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यह पाया गया कि आप जो है ब्रिटिश इंडिया के लिए खतरा है, कुछ ऐसा गतिविधि कर रहे हैं, मतलब आप आंदोलन नहीं कर सकते। इस रॉवेल एक्ट के खिलाफ, यह एक्ट याद रखिएगा 1990 में पास किया गया था, इस रॉवेल एक्ट के खिलाफ जो है गांधी जी ने नॉन वायलेंसली जो है हड़ताल लॉन्च कर दी 6 अप्रैल 1919। और ये यही हड़ताल और यही एक्ट की वजह से मैसेकर होता है आगे चल के जलियांवाला। इस एक्ट के अंतर्गत एक कानून लगाया गया था मार्शल लॉ, जैसे अभी कोरोना में लगाया गया था आर्टिकल के आप चार लोग तीन लोग इकट्ठा नहीं घूम सकते, ऐसा ही। तो मार्शल लॉ के अनुसार आप लोग ग्रुपबाजी मतलब गुटबाजी नहीं कर सकते, कहीं खड़े होकर मीटिंग वीटिंग नहीं कर सकते हो, आप इकट्ठा नहीं हो सकते 10 लोग 20 लोग, ऐसा कोई संगठन ऑर्गेनाइजेशन हड़ताल नहीं कर सकते हो। तो मार्शल लॉ लगा हुआ था बट आम जनता को बात पता नहीं थी। 10 अप्रैल को यह लिखा हुआ पुलिस अमृतसर में फायर करती है क्योंकि मार्शल लॉ लगा हुआ था, और 13 अप्रैल को जलियांवाला मैसेकर इंसिडेंट होता है। 13 अप्रैल को वही कहानी है, बैसाखी का फेस्टिवल था, कुछ लोग मीटिंग के लिए भी थे, कुछ फेस्टिवल मनाने के लिए गए थे, मार्शल लॉ जनरल डायर इंटर करता है, मार्शल लॉ क्योंकि जस्टिफिकेशन में कहता है कि मार्शल लॉ लगा था तो लोगों ने कानून का उल्लंघन किया। और ये भारतीय क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए मैंने ऐसा इंसिडेंट यहां पे लिखा हुआ है, प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, ये वर्ड देखिए, हाईलाइट देखिए, कितना कितना गहन वर्ड है अगर आप समझने की कोशिश भी करेंगे तो। एनसीईआरटी कितनी गहराई से सवालों को लिखता है और ये कीवर्ड अगर आप उठा पाते हैं अपने आंसर में तो क्या ही बात हो जाएगी, आपका सिलेक्शन तो कोई नहीं रोक पाएगा। प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, और इस तरह से कीवर्ड को छाटना कोई आपको सिखा भी नहीं पाएगा, इस तरह से एनसीईआरटी को कोई नहीं आपको पढ़ा पाएगा कि आप एनसीईआरटी से पिक करिए वर्ड्स को। तो मोरल इफेक्ट, प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, इसका हवाला दिया किसने, प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, जनरल डायर ने प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट। जलियांवाला मैसेकर हुआ, इसमें और भी चीजें बहुत सी थी कि लोगों को फिर किस तरह से परेशान किया, लोग अंग्रेजों को सलाम या सल्यूट करते थे, काफी लोग भाग गए। गुंजरवाला पंजाब में एक गांव है जो कि अब पाकिस्तान में है, यहाँ पे लोग अमृतसर से भाग के वहां चले गए, घरों पे बम्बार्ड अंग्रेजों ने किया। और ये जो जलियांवाला मैसेकर था ये पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था, भारत को भी और बाकी देशों में भी, ये एक अमानवीय एक्ट था। ये समझ लीजिए जिस तरह से हिटलर ने किया था होलोकास्ट गैस चैम्बर, कुछ ऐसा ही आप कंपेयर कर सकते हैं कि ऐसा काम जो है। अब गांधी जी को इसका जवाब देना था, तो उसी समय एक और घटना घटी। जब ये सब हो रहा था उस समय वर्ल्ड वॉर वन जब हुआ 1914 के बाद, ऑटोमन एम्पायर के जो शासक थे खलीफा जिनको कहा जाता है तुर्की, उनको क्योंकि हार गए थे तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया और उनको डीथ्रोन मतलब गद्दी से हटा दिया गया, और इस्लामिक धर्म के वो महागुरु या उनके पैगंबर जो भी कह सकते गुरु माना जाता था। तो पूरे विश्व में या इस्लाम कम्युनिटी में इसको लेके काफी रोष था कि ये हमारे गुरु हैं और हमारे जो भी हैं इनको डिथ्रोन नहीं करना चाहिए, हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। खिलाफत इशू को गांधी जी ने बोला कि ये सही मौका है कि हिंदू मुस्लिम को एक साथ ला सकते हैं, और इसको सपोर्ट करने के लिए खिलाफत इशू को गांधी जी ने सपोर्ट किया। भारत के दो यंग लीडर थे शौकत अली ब्रदर्स, शौकत अली एंड मोहम्मद अली, बॉम्बे में मिले, दे मीट अ बॉम्बे एंड वहां पे कमिटी बनाई 1919 में खिलाफत कमिटी, और गांधी जी से डिस्कस किया इस मुद्दे को लेकर। फिर गांधी जी ने कलकत्ता सेशन में कांग्रेस को
कांग्रेस सेशन में एट कलकत्ता कांग्रेस इन सितंबर 1920 ही कन्विंस अदर लीडर दैट नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट टू सपोर्ट द खिलाफत एज वेल एज स्वराज। उधर जलियांवाला मैसेकर हुआ ही था, गांधी जी ने कहा यह सही समय है कि हम हिंदू और मुस्लिम को एक साथ ले सकते हैं खिलाफत इशू को सपोर्ट करते हुए और एक पैन इंडिया एक मूवमेंट लॉन्च कर सकते हैं नॉन कॉपरेशन। अगला सवाल छोटा सा, जैसा मैं सवाल आपको देते जा रहा हूं ये मेरा आपको ऑर्डर है कि आप लिखते चलिएगा। सवाल यह है, एक्सप्लेन नॉन कॉरपोरेशन, एक्सप्लेन नॉन कॉरपोरेशन, क्या समझते हैं आप नॉन कॉरपोरेशन से? नॉन कॉरपोरेशन का मतलब क्या है कि आपसे कोई कुछ कह रहा है करने को, आप उसको सपोर्ट नहीं करो, नहीं करेंगे हम, कल से स्कूल नहीं आएंगे, पढ़ेंगे नहीं हम, कल से तैयारी नहीं करेंगे। तो अंग्रेज, गांधी जी का मानना था, गांधी जी की फेमस बुक थी हिंद स्वराज, उस बुक में गांधी जी ने लिखा था कि जो भारत में ब्रिटिशर सर्वाइव कर पा रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय उनके लिए काम कर रहे हैं, भारतीय उनके लिए काम कर रहे हैं, उनके दफ्तरों में, उनके घरों में। मान लीजिए अंग्रेजों ने रेलवे बना दिया, अब भारतीय ना चलाए तो रेल चलेगी? नहीं चलेगी। स्कूल खोल दिया उन्होंने, भारतीय बच्चे ना पढ़े तो स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा। तो गांधी जी का मानना था कि अगर हम अपना कॉपरेशन सहयोग उनसे छीन लें, उनके लिए काम ना करें, तो गांधी अंग्रेज जो है वो ऐसे ही कमजोर पड़ जाएंगे और वो मजबूर हो जाएंगे देश को छोड़ने के लिए, क्योंकि उनकी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, वो काम नहीं कर पाएंगे। चंद मुट्ठी अंग्रेज पूरे भारत को रूल कर रहे थे। तो चलिए, कंप्यूटर महोदय का भी डिसीजन सिग्नल आ चुका है। तो आज का जो लेक्चर है, मैं उम्मीद करता हूं आपके अंदर भारत के प्रति प्रेम भरने का प्रयास मैंने किया, नेशनलिज्म का, और किस तरह से एनसीईआरटी पढ़े थोड़ी समझ आपको मैं डेवलप करा पाया मेरे इस। तो अब आप ये पढ़िएगा, आप ऐसे एमसीक्यूज फिल्टर आउट करिएगा जो मैंने कहा, हिंद स्वराज जो कि 1909 में गांधी जी ने लिखा था, इस किताब में उन्होंने मेंशन किया था जो भी बातें, तो एमसीक्यू के लिए वन वर्ड्स के लिए आपको याद रहना चाहिए। सो यहां तक आप पढ़िएगा, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे प्रोसीड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में एनसीईआरटी बैच स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, और हमारा एडमिशन भी स्टार्ट है। सो ऐप पे क्लासेस फर्स्ट जैन न्यू ईयर के सेलिब्रेशन आप मना लीजिए, स्टार्ट आना शुरू हो जाएगा फर्स्ट जैन 2023। और एक क्रांति की तरह हम लोग भी एक क्रांति कर रहे हैं, जैसे गांधी जी ने क्रांति की थी, एक क्रांति हमारी भी चल रही है। यह क्रांति है गरीब पिछड़े रिमोट एरिया में इस स्तर का एजुकेशन ले जाना कि हर बच्चा ये सपना देख सके कि वो भी एक अधिकारी बन सकता है, केवल एक इलाइट क्लास के लोग ही ना बन पाए, केवल वहीं तक ये सोर्स सीमित ना रहे। इस मुहिम के साथ प्रिसा आईएएस चल रही है, तो जुड़े सभी लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर।